हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील पारिक और आज आपका हमारे चैनल पर स्वागत है टेक सुनील में। आज हमारा वीडियो व्हाट्सएप के ऊपर होने वाला है। आपको पता होगा या फिर आपको नहीं पता है, आपको एक दो दिनों में ये जानकारी या सूचना मिल रही है कि व्हाट्सएप के बारे में नई पॉलिसी और अपडेट मिल रही है। तो आज का हमारा वीडियो व्हाट्सएप के ऊपर फीचरों के ऊपर होने वाला है। तो आपको मैं ये फीचर आज ये भी बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए। दोस्तों, यह है व्हाट्सएप की नई पॉलिसी 2021 की। इसमें आपको बहुत सारे फीचर और अपडेट मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या मिलते हैं। इसमें आपको सबसे पहले मिलेगा कि अगर आप किसी को मैसेज भेजते हैं और उसने नहीं देखा है तो वह मैसेज 30 दिनों तक व्हाट्सएप के स्टोर में स्टोर रहेगा। यह पहले नहीं था, अब हुआ है, कुछ टाइम में ये लागू हो जाएगा। दोस्तों, पहले व्हाट्सएप आपके मैसेज छीन नहीं कर सकता था, अब से यह पॉलिसी नई अपडेट हो गई है कि अब आपके व्हाट्सएप मैसेज छीन भी कर सकता है और देख भी सकता है। और इसमें डिवाइस एंड कनेक्शन का इंफॉर्मेशन आ गया है कि अब आपके डिवाइस का सब कुछ इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप अपने स्टोर में सेव कर सकता है। यह पॉलिसी में सब कुछ बताया गया है, आईपी एड्रेस, कौन सा वर्जन है, कौन सा आईओएस है, सब कुछ यह सेव कर सकता है। आपको ये ध्यान रखनी है। लोकेशन एंड इंफॉर्मेशन की नई पॉलिसी आ गई है कि आपके कौन सी लोकेशन है, सब कुछ अपने स्टोर में सेव करेगा। अगर आपने अपनी लोकेशन किसी को फ्रेंड को शेयर किया है तो वह अपने स्टोर में सेव करेगा व्हाट्सएप। फ्रेंड्स, अगर आपका फेसबुक पर खाता नहीं है तो फिर भी फेसबुक आपके व्हाट्सएप की फ़ोटो, वीडियो, सब कुछ अपने स्टोर में सेव करेगा फेसबुक। यह पॉलिसी में नया अपडेट बताया गया है कि अगर फेसबुक आपके वीडियो, फोटो, सब कुछ चैट अपने चैट में स्टोर में सेव कर सकता है और नो थर्ड पार्टी बैनर एड्स। इसका मतलब है कि व्हाट्सएप अपने थर्ड पार्टी बैनर एड नहीं अलाउ करता है। अगर अलाउ करता है तो नई पॉलिसी में अपडेट कर दिया जाएगा। मिनिमम एज टू यूज व्हाट्सएप, इसका मतलब हुआ कि अब 16 साल की एज से व्हाट्सएप नहीं चलाएंगे, 16 साल की ऊपर के ही व्हाट्सएप चलाएंगे। यह भी इस पॉलिसी में अपडेट कर दिया गया है। बिंगिंग, अगर किसी को गलत मैसेज या कुछ गलत चीज़ भेजते हैं तो व्हाट्सएप आपको बिना बताए आपका अकाउंट बैन कर सकता है।